आया क्या वो? फिल्म देख रहा है। मैटनी शो अपनी बीवी के साथ। तू कहाँ रहेगा? अगली गली में, लाल कलर की फोर्ड। तैयार है ना? सीधा वहीं आऊँगा। देर मत करना। हेलो साले को काटा समझाना, बहुत मचमच सुन दी उसकी। ये कैसी है? ले ले, बच के जाना नहीं चाहिए वो। पैसे वैसे का तो फिक्र मत कर, कितना बोलेगा दूंगा मैं उसको टपका, वरना तू टपक जाएगा। नए धंधे में कोई दोस्ती यारी नहीं होती है, जिससे खतरा उसको टपका देने का। क्या हो गया इनको? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाइए। सटा सामने से, क्या करना है? करना क्या है, कूद जाते हैं। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। सीएम बनने के लिए मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार की आदत हो गई है, बैठ जाओ। सीएम आ गया। लगता है इस बार भी सीएम यही बनेगा। नहीं बनना चाहिए। जिस पॉलिटिशियन के पास पावर नहीं होता वो एक बंदर की तरह होता है, समझे? हर कोई उसे नचाते रहता है। कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ तक कि तुम्हारे जैसे लोग भी चांस मारते। ऐसी बात नहीं है सर, एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस बार हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वरना कहीं के नहीं रहेंगे हम। प्रेस वाले तो ऐसे ही भूल चुके हैं हमें।
जनता भूल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिकर मत कीजिए सर, एक वोट का 1,000 रुपए देंगे और साथ में एक एक बोतल। आजकल पब्लिक होश में वोट नहीं देती तो दारू पी के कहां से आएगी। ये तो और भी अच्छा होगा, हम खुद ही बोगस वोट डाल देंगे। अगर हम अपोजिशन वाले बोगस वोट डाल सकते हैं तो सोचो वो क्या करेगा जिसके पास सरकार की ताकत है। बोलो तो उड़ा दे साले को। जनता सहानुभूति में उसकी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठा देगी। तो अब क्या करें? मुझे मार दो। अगर एक लड़का 10वीं की परीक्षा में फेल होकर घर आता तो घर पर हर कोई उसे डांटता है। रिजल्ट के बाद अगर वो खुदकुशी की कोशिश करता है तो लोग उसे बचाकर घर वापस ले आते हैं और वही घर वाले उसे प्यार से समझाते हैं। पहले केस में घर वाले उस पर फेल होने की वजह से नाराज होंगे और दूसरे केस में उसे मिलेगी सहानुभूति। मुझे भी वही चाहिए, सहानुभूति। मेरी जान लेने की कोशिश की जाएगी लेकिन मैं बच जाऊंगा। फारूक, हमारी पार्टी का प्रचार 10 तारीख को शुरू होने वाला है। मुझ पर जानलेवा हमला भी उसी दिन होना चाहिए। फिर मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। सारे टीवी चैनल सी न्यूज कवर करेंगे। उसके बाद मेरे कुछ सपोर्टर्स आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। मैं हॉस्पिटल के बेड से ही प्रचार करूंगा, स्ट्रेचर पे लेटे हुए इंटरव्यू दूंगा और व्हील चेयर में जाकर अपना वोट डालूंगा। बढ़िया प्लान है, व्हील चेयर से सीएम की चेयर। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब? ऐसा कोई किलर चाहिए जिसकी आंखें चील जैसी हों, जिसकी फूर्ती चीते जैसी हो। आएगा, मारेगा और गायब हो जाएगा। ऐसे किलर के लिए करोड़ों लगेंगे। पैसे की फिक्र मत करो, कोई प्रोफेशनल किलर ढूंढो। ढूंढने की जरूरत नहीं है सर, है हमारी नजर में। हाँ सर, अपना शहर तरक्की कर रहा है, पैसे फेंको सब मिलता है। तो देर किस बात की है? वो नहीं सर, वो इधर है। हाँ एक मिनट सर, फोन आपके लिए। हेलो, कौन बोल रहा है? फारूक ने तुमसे कांटेक्ट करने को बोला था। हाँ एक मिनट, देखो कौन है। हेलो, मैं बाजीराव रेड्डी। बोलो। शायाजी रेड्डी को फोन दो। अरे हम दोनों एक ही हैं। उसकी जगह तुझे मार दूं चलेगा? अच्छा जोक मारता है। गोली भी अच्छी मारता हूँ। हाँ हम भी यही चाहते हैं। फारूक ने तो तुम्हें सब बता दिया होगा, तुम गोली चलाओगे पर जान नहीं जानी चाहिए। हाँ 2 खोखा। कितना? 2 करोड़। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पॉलिटिकल डिस्काउंट नहीं दे सकते मुझे? तुझे भी मार देता हूँ, एक पैक फ्री। हाँ? अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। 1 करोड़ एडवांस और 1 करोड़ काम खत्म होने के बाद। काम खत्म होने के बाद मैं पकड़ा गया तो? और तूने हमको धोखा दिया तो? मुझे सिर्फ मारना आता है, धोखा देना तुम लोग जानते हो। ठीक है, पूरे पैसे एक साथ मिल जाएंगे पर पेमेंट से पहले हम एक बार तुमसे मिलना चाहेंगे, इसलिए कि वो। कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए जरूरी है। हम 2 करोड़ दे रहे हैं तुम्हें, क्या हम काम से पहले एक बार तुम्हें देख भी नहीं सकते? आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। कहीं मुझसे मिलने की फिराक में अपनी जान न गवा दो। सारे नोट 1,000 के होने चाहिए, प्लास्टिक में लपेट कर एक लाल बैग में डालकर देना। अपने बंदे को रात 9 बजे की लोकल ट्रेन लेने को बोलना और उसे बोलना कि सीट के नीचे बैग रख कर निकल जाए। वो उतरा क्या? नहीं साहब। नजर रखना। जी साहब। वो उस लाल बैग के साथ उतरेगा। जी। उसका पीछा करना, सारी जानकारी हासिल करना और जी जी। सॉरी। ओके ओके, कोई बात नहीं। क्या ओके? अरे आपको नहीं सर, एक छोकरा धक्का मार गया। वही तो नहीं था? अरे वो कहाँ होगा साहब, ये वो नहीं था तो वो कहाँ है? पहले जाकर उसको देख साहब। साले 2 करोड़ है उसमें, पूरी रात लग गई मुझे उसे गिनने में और तू 2 मिनट में उसे घुमा देगा। अरे साहब ट्रेन चल पड़ी। हाँ और तू देखता रहे, फुर्र करके वो निकल जाएगी। अब क्या करें? अबे चढ़ जा ट्रेन में। जी साहब। बैग है वहाँ? मिल गया साहब। हाँ लेकिन ये तो खाली है। साहब लगता है वो पीछे बैठ के लगा गया, ये तो दिमाग वाला निकला साहब, पैसे लेके भाग गया। बैठ के पेपर पढ़ रहा था ना? न्यूज में आ गया क्या साहब? तू बैठ के अखबार पढ़ रहा था और वो पैसे लेकर निकल गया। अब मैं क्या करूं साहब? ट्रेन में बैठकर बाकी का अखबार भी पढ़ ले साहब। अब क्या है बे? अपनी नई बैग भी फाड़ दी उसने।
तू इतना टेंशन मत ले, बैग को यहाँ ले आ, मोची से सिलवा लेंगे। मैं उस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पर आऊंगा, किसी अनजान आदमी से कार रेंट पे लेना, एक नई ट्रैवल एजेंसी ढूंढ। लाइसेंस चाहिए मुझे, एडवांस 10,000 लगेगा। मीटिंग परसों सुबह 10:30 बजे शुरू, काम खत्म करके मैं बिल्डिंग के पास वाली रोड पे मिलूंगा। सभी भाइयों, सभी बहनों, पार्टी के समस्त लोग, स्थानीय नेतागण, जिला स्तर के नेतागण, समस्त मंत्रीगण, मीडिया के बंधुगण और पुलिस प्रशासन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह सरकार कितनी निकम्मी है और इसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। कर्ज उन लोगों ने लिया, चुकाना आपको पड़ रहा है। उनकी जेबें भर रही हैं, आपकी जेबें खाली हो रही हैं। बताने में हार्दिक खुशी हो रही है कि अभी थोड़ी देर में सयाजी रेड्डी साहब आप सबको संबोधित करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी की भलाई के लिए वही एकमात्र आशा की किरण है। आप सबके इंतजार की घड़ियां बस खत्म हुई, सयाजी साहब आ चुके हैं। उनका भरपूर तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नेता।